लफ्ज इसराइल इसरा और ईल से बना है। इसरा के मायने अब्द यानी बंदे के हैं और ईल खुदा को कहते हैं। इब्रानी जबान में ईल अल्लाह का नाम है। लफ्ज ईल काफ़ी हस्तियों के साथ इस्तेमाल हुआ है, जैसे इस्माइल, जिब्राइल, इसराफील, इज़राइल, मीकाइल। हज़रत इब्राहिम की बीवी जनाब हाजरा से जनाब इस्माइल इस दुनिया में आए और जनाब सारा से जनाब इसहाक इस दुनिया में आए। हज़रत इब्राहिम अपनी जौजा जनाब सारा और अपने फर्जंद जनाब इसहाक को लेकर इराक से हिजरत करके फ़लस्तीन आ गए और अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक फ़लस्तीन में सकूनत इख्तियार फरमाई। और जब फ़लस्तीन पहुँचे तो जनाब इसहाक से जनाब याकूब इस दुनिया में आए और फिर जनाब याकूब के 12 बेटे, जिनमें से एक जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम है। इसराइल हज़रत याकूब का लकब है, इसीलिए हज़रत याकूब की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। वक्त के साथ साथ हज़रत याकूब की नस्ल फ़लस्तीन में फैलना शुरू हो गई और फिर एक ऐसी बड़ी जमात बनकर सामने आई। बनी इसराइल अल्लाह की महबूब तरीन कौम थी, जिसके लिए अल्लाह ने आसमान से ना जाने कितनी नेमतें नाजिल फरमाई और क्या कुछ नाजिल नहीं किया। और अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए कम व बेश 70,000 अंबिया भेजे, लेकिन इसके बावजूद ये बाज ना आए और मुसलसल नाशुक्री करते रहे, जबकि अल्लाह ने इनके लिए मनोसलवा नाजिल किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए फिरौन जैसे जालिम से निजात दिलवाई और दरिया में से 12 रास्ते बनाए ताकि हर कबीला अलग अलग अपनी जान बचा सके। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने बनी इसराइल को किताब में ये इत्तला भी दी थी कि तुम ज़मीन में 2 मरतबा फसाद करोगे और खूब बुलंदी हासिल करोगे। बस बनी इसराइल के लोग अल्लाह के भेजे गए पैगंबरों की नाफरमानी करते रहे और अल्लाह के पैगंबरों को कत्ल करते रहे और फांसी जैसे अम्र से भी बाज ना आए। इन लोगों ने हज़रत याहिया का भी सर कलम करवा दिया और एक नबी को कुएं में उल्टा लटका कर छोड़ दिया और हज़रत ईसा के कत्ल की साजिश में भी पेश पेश रहे। ये लोग अभी तक दावे से कहते हैं कि हम अल्लाह की सबसे चहीती कौम है और दोज़ख की आग भी हमें कुछ नहीं कहेगी। ये कौम हमेशा लोगों को तंग करती, उन पर जुल्म सितम करती और अपनी बस्तियों से निकाल दिया करती, जिस तरह आज ये लोग फ़लस्तीन के साथ कर रहे हैं।